हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फिर से किचन से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो मेरा आटा यहाँ पर हो चुका है रेडी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा नूडल्स, और मैं बनाऊँगी इसमें, ये है नूडल्स बनाने वाली मशीन। तो मैं करती हूँ स्टार्ट बनाना। तो मैं रख देती हूँ यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारे नूडल्स बना दिए हैं, पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ पकाने के लिए। तो यहाँ पे नूडल्स पक चुका है, अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो इसको अब छन्नी में निकाल देते हैं, और फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं और ठंडा भी रहे। कुछ देर इसको फिर ठंडा रहने के बाद फिर इसको भून लेंगे हम अच्छे से, सारे मसाले डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दी गैस पे कढ़ाई, और डालूँगी मैं सरसों का तेल। मसाले मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। इसमें मसाले पड़ते हैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और साबुत मसाले और डालेंगे हम इसमें। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़े से साबुत मसाले, ये है पहाड़ी जीरा थोया, और ये है जिम्बू, और ये है थोड़ा सा तिमू डालूंगी, इससे इसका स्वाद अच्छा आता है, और ये है जखिया। तो तेल हो चुका है गरम, और तो सबसे पहले मैं डाल लूँ पहाड़ी जीरा थोया, और फिर डालूँगी जखिया, जिम्बू। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। अब डाल दूंगी बॉयल नूडल्स। तो इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो हो चुका है हमारा हेल्दी एंड टेस्टी आटा नूडल्स रेडी। तो अब खा लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।